मेरा नाम आयशा मुजम्मिल है। आई एम ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। आई बॉर्न इन दोहा कतर। आई डिड माई इनिशियल स्टडीज फ्रॉम दोहा कतर, देन आई डिड माई डिग्री फ्रॉम कैनेडा इन स्पेशल नीड पर्सन ताइक्वांडो। आई एम द फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी एम्बेसडर फ्रॉम कैनेडा इन स्पेशल नीड पर्सन। नॉर्मल बच्चों को तो मार्शल आर्ट्स करवाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और मेरी स्पेशलाइजेशन ऐसे बच्चों के साथ है जो कि स्पेशल नीड्स के साथ दुनिया में आते हैं। और इसकी सर्टिफिकेशन मैंने फिर कनाडा से की, और उसके बाद आई डिड माय डिफरेंट आईटी कोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। मुझे बचपन से आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का बहुत शौक था। दे हैव सो मच पेट्रियटिज्म एंड दे आर सिंबल ऑफ पावर। और इसके अलावा मुझे बहुत शौक था कि मैं ऐसे लोगों को हेल्प आउट करूँ जो कि डिफरेंट होते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि जब अपने बचपन से मैं देखती थी कि जिस लड़के का दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, वो किसी लड़की को छेड़ के आगे चला जाता है और उसको कोई भी कुछ नहीं कहता, बल्कि वो बच्चियाँ जो है अनकंफर्टेबल होती हैं, ना अपने पेरेंट्स को बताती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उन लड़कों की जरूरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सबको माल गनीमत समझने लग जाते हैं। तो बचपन से ही मुझे ये शौक था कि मैं ऐसे लोगों को सीधा कर सकूँ और बच्चियों को इस तरह ट्रेन करूँ कि उन्हें यह एहसास हो कि आप माल गनीमत नहीं हैं, आपको अल्लाह ने माल गनीमत बनाकर नहीं भेजा। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तारीख के अवराक उठाकर देखें, कोई भी मुसलमान औरत ऐसी नहीं थी जो कि शमशीरजन और बहादुर नहीं थी, अपने मर्दों के साथ मुजाहिदीन के साथ नहीं जाया करती थी, वो सब कुछ करती थी। अगर 1400 साल पहले जब फैसिलिटीज नहीं थी, तब हमारी औरतें शमशीरजन थी, मर्दों के साथ शाना बशाना मुकाबला करती थी, तो अब क्यों नहीं, जब सब गैजेट्स आपके पास मौजूद हैं, हर तरह की फैसिलिटी डोर स्टेप पर अवेलेबल है, तो अब आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस और इन चीज़ों में एनरोल करवाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली माई फादर इज़ अ वेरी वेरी ब्रेव पर्सन। ही हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन दिस के इन एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन वाई आर यू लुकिंग फॉर समवन, कोई आए, कोई आपको हेल्प करे, क्यों? अगर उनके पास दो हाथ और पाँव हैं तो सिमिलर यू हैव, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इन विच सोसाइटी यू आर लिविंग, नो वन कम्स टू हेल्प यू। विक्टम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। आज जो विक्टिम होते हैं, हमेशा हम उसी को कसूरवार ठहरा देते हैं कि आपने कुछ किया होगा, आपने कोई हिंट दी होगी, आपने ऐसा पहना होगा, आपने ऐसा किया होगा, क्यों? तो बिकॉज ऑफ दैट, कि चूंकि घर से मेरे ये ट्रेनिंग ऐसी थी कि मेरे फादर इस चीज़ को बिलीव करते थे और इस चीज़ को प्रैक्टिस करते, इवन कि वो चूंकि पाकिस्तान रेजिडेंट नहीं थे, जब भी वो वकेशंस पर आते थे, ही प्रैक्टिस विद मी बाय हिमसेल्फ, बल्कि मेरे तमाम बहन भाइयों को उन्होंने मार्शल आर्ट्स में एनरोल करवाया था, इसी वजह से कि ही लिव्स अब्रॉड, और हमें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए कभी किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, जो भी सिचुएशन हो, डू एंड डाई। इट टेक्स 5 to 7 ईयर्स, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सेल्फ डिफेंस में डिफरेंट डिग्रीज ली, ब्लैक बेल्ट हुई, और फिर अपने करियर को आगे बढ़ाया। फिर बिकॉज आई गॉट मैरिड अर्लियर, तो अपनी शादी के 14 साल बाद मैंने इसको एज अ करियर स्टार्ट किया, जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ। एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि इट्स द टाइम जब आपको सोसाइटी को पे बैक करना है उन तमाम चीज़ों को जो आपको अल्लाह ताला ने अपने फजल से सिखाई हैं। आई स्टार्ट विद अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर और योगा ट्रेनर अपॉइंट किया गया मुझे। वहाँ पे जाके मुझे अपॉर्चुनिटीज इस तरह की मिली कि मैं बेशुमार वर्कशॉप्स को अटेंड करवा सकूं स्टूडेंट्स को। मैंने ऐसी वर्कशॉप्स अरेंज की जिसकी वजह से हम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस और बाकी चीज़ें सिखाते थे, और स्पेशली मैंने इस चीज़ को फोकस किया कि वर्क प्लेस पर जो ख़वातीन हरासमेंट फेस करती हैं, उसके लिए हम ऐसे कौन से गैजेट्स या ऐसे कौन से ऐप्स अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि ना सिर्फ वो सिचुएशन को अवॉइड करें, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, उनके पास प्रूफ भी हो इस बात का कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है या अनॉय कर रहा है वर्क प्लेस पे, तो यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि कोई आपको बार बार अनॉय कर रहा है, कोई जूम आईनी जुमले बोल रहा है, या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो यू हैव नॉट प्रूफ। तो फिर हमने कोशिश किया कि हम ऐसे वर्कशॉप्स अरेंज करें जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करें प्रॉपरली कि इस तरह करने से आप और बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। व्हेन द पैसेज ऑफ टाइम आई फील के मुझे कोई अपना सेटअप करना चाहिए, उसकी रीज़न ये कि स्कूलों में काम करने की एक लिमिटेशन है, और जो चीज़ मैं सिखाना चाहती थी वो उस लिमिटेशन से बहुत बियॉन्ड थी। तो आई वॉज डिस्कस दिस प्रोजेक्ट विद माई फादर एंड माई टीचर्स, तो दे सपोर्ट मी। माई फादर गिव मी हिज प्रेमिसेस कि ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अ प्रेमिसेस, आप अपना एक सेटअप खोल लें जहाँ पर आप ऐसी वर्कशॉप्स अरेंज करें स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए, बच्चों को वो सिखाएं एक्चुअली जो आप सिखाना चाहती हैं।
देन आई वॉज गिव अ थॉट अबाउट इट कि मुझे इसको ऑनलाइन पे ट्रांसफर करना चाहिए ताकि जो आ नहीं सकते या जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं या उनको वर्किंग चैलेंजेस हैं तो एटलीस्ट वो आपको ऑनलाइन अप्रोच कर लें। और उसके बाद फिर हमने इसको ऑनलाइन पे शिफ्ट किया, अपने साथ मैंने अपनी टीम को एनरोल किया। कोविड के दिनों में इट वॉज द बेटर डेज फॉर एनरोलिंग ऑल दीज थिंग्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सफर को आगे बढ़ाया और लोगों को अपने साथ में लाया। अब हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। और इसके अलावा अब हमने ख़वातीन के लिए ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं कि अगर वो वर्किंग हैं तो वो उन ट्यूटोरियल्स को देखें और हमारे साथ लाइव और ऑफलाइन सेशंस लें ताकि सफर में वो भी आगे चलें। मोटरवे वाले इंसिडेंट के बाद एक्चुअली आई वाज थॉट एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर कि अब इसको ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहिए। देन आई हैव स्टार्ट टीचिंग द गर्ल्स कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स आपके साथ होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो आपके पर्स में आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। वन ऑफ द थिंग, आपके पास पॉकेट परफ्यूम होना चाहिए जो कि आपके बैग के अंदर तो बिल्कुल ना हो। पॉकेट परफ्यूम इज सच अ कॉमन थिंग, आप उसको अपने बैग के हैंडल के साथ लटकाएं ताकि जरूरत पड़ने पे आप उसको बाहर से ही खींचे और यू हैव टू स्प्रे एंड यू कैन शटर आउट द सिचुएशन। दूसरी चीज, फोल्डेड नाइफ्स आपके पाँव के साथ बंधी होनी चाहिए, एक आपके आर्म के साथ बंधी होनी चाहिए। कैसे बांधते हैं, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, अक्सर आप हॉस्पिटल्स में जब ब्लड सैंपल्स डोनेट करने के लिए जाते हैं तो वो स्ट्रिप लगाते हैं और हमारा ब्लड लेते हैं। उस स्ट्रिप के साथ आप यहाँ पर एक नाइफ बांध लें, एक फोल्डेड नाइफ आप अपने पाँव के साथ बांध लें ताकि आप उसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। आप जब घर से बाहर जाते हैं गन पिस्टल नहीं लेकर जाते, लेकिन हाथ और पांव तो साथ लेकर जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिसके साथ जुल्म और ज्यादती होती है उसी को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। आपका हक है, आप जिस वक्त मर्जी आए जिस वक्त मर्जी जाए, और आपकी हिफाजत भी आपका हक है। लेकिन बात यह कि आप हर चीज का कसूरवार उसी औरत को कैसे ठहरा सकते हैं जो कि विक्टिम है। और पाकिस्तान में बहुत बदकिस्मती है हम लोगों की, इवन कि ना सिर्फ मोटरवे वाले वाकये में बल्कि हर इस तरह के वाकये में आखिरकार वो बच्ची खुदकुशी करने पर ही मजबूर हुई है। क्यों? कि उसकी सोसाइटी ने, उसके घर वालों ने, उसके फैमिली ने, उसके फ्रेंड्स ने उसको डिसऑन किया। जब आज कल परसों हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है तो वाई नॉट डू एंड डाई। फिर आपको पास एक ही लेसन चाहिए, या मार दो या मर जाओ। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग एक्चुअली आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है, क्विक रिस्पॉन्डेड करती है आपको कि आप जल्दी रिस्पॉन्ड पे करें और ये सोचें सिचुएशन में आप कहां खड़ी हैं, आप क्या कर सकती हैं, आपके हाथ पांव आपका सर क्या चीज फ्री है। जो चीज फ्री है आप उसको अपना वेपन समझ के इस्तेमाल करें। और इसके अलावा पेपर स्प्रे वगैरह इसको हर वक्त साथ रखें, और अपनी लोकेशंस को शेयर करने की आदत डालें। इमरजेंसी नंबर्स को आप यूजुअली इमरजेंसी नंबर्स को हमने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा होता है अपने सेल फोन पे जबकि ये ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा आप साउंड रिकॉर्डर्स, वॉइस रिकॉर्डर्स, आप कॉल रिकॉर्डर्स को यूज करें क्योंकि, और जब घर से कहीं जाएं तो अपनी लोकेशन को हमेशा शेयर करें, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप अपनी वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, हमेशा इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस को साथ देखने की जरूरत होती है। औरत नाकिस उलकल है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि मर्द अकले कुल है? तो दिस इज अ थिंग, ये एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है जो कि खवातीन पर उनके हर फैसले के हवाले से लगा दिया जाता है कि तुम्हें क्या अकल है भाई, पढ़ लिख लिया, घरदारी संभालो, बच्चे संभालो। बिल्कुल ये हमारा काम है क्योंकि अल्लाह ने हमें इसके लिए डिजाइन किया है, तो ऑब्वियसली हम घर भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ हम करियर को भी देखेंगे। हम करियर में भी उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जितने कि मर्द हजरात सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट लगा दी जाती है। और जो दूसरी एक खवातीन की कैटेगरी है वो गालबन औरत मार्च वाली है कि अपना खाना खुद गर्म करो, और वो इस आज़ादी को एक डिफरेंट सेंस में लेती हैं जबकि ये बिल्कुल गलत है। खवातीन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि बी योरसेल्फ, अपना एहतराम आप खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ रहने की हैसियत से अपना एहतराम करवाएं। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं तो बी डिसेंट एंड बी सीरियस ओवर देयर, अपने काम से काम रखें, ना लोगों के पर्सनल्स में जाएं और ना ही लोगों को अपने पर्सनल्स में आने दें। एक वर्किंग डिस्टेंस रखें। आपकी तरक्की का दारोमदार आपके बॉसेस की खुशनूदी पर नहीं, आपके टास्क परफॉर्मेंस पर है।
अगर आप सीरियस एटीट्यूड के साथ वहां काम करेंगी तो इट वुड बी मच बेटर, और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे कि लोग आपसे डिसेंट पर्सनैलिटी होने से एक डिस्टेंस रखेंगे। और दूसरी बात है, अपने फैसलों पर यकीन रखें। जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने मर्द को ये हक हासिल है ना कि वो अपने फैसले खुद करे, गलत करे या सही करे, जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करे, यही हक आपको भी हासिल है। आप उस हक को इस्तेमाल करें और अपने गलत और सही फैसलों का एहतराम करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने आप को बजाय सेल्फ पिटी का शिकार करने के फिर से उठें, फिर से अपने लिए एक नया डिसीजन मेक करें, अपने लिए रास्ते नए मुंतखब करें, अपने करियर का आगाज करें और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बाउंड्रीज को साथ साथ चलाएं। घर और आपका करियर अलहदा अलहदा नहीं है, घर के साथ करियर को चलाएं, क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान कोई जंग तो चल नहीं रही है। आप खातून है, आपकी अपनी डिग्निटी और आपके हस्बैंड्स की या घर वालों की अपनी डिग्निटी और बाउंड्रीज के दरमियान में रहते हुए अपने काम को करें।